हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और हम आज ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के जो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देंगे और फाइबर ऑप्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं और किस फिनोमेना पे फाइबर ऑप्टिक्स वर्क करती है वो पढ़ेंगे। कि हमें फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमें अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करनी होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप तक, अब क्योंकि हम क्लासरूम टीचिंग नहीं कर रहे हैं, सब ऑनलाइन चल रहा है, तो अपनी इंफॉर्मेशन या अपना लेक्चर आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, जो भी हमारा मैसेज है। तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को मॉड्यूलेटर पे मॉड्यूलेट करते हैं और ट्रांसमीटर के थ्रू चैनल में भेज देते हैं। अब ये जो चैनल है, एक्चुअल में हम ये चैनल ही पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चैनल दो तरीके के होते हैं, गाइडेड चैनल और अनगाइडेड चैनल। अभी इसकी बात करेंगे, जो हमने इंफॉर्मेशन भेजी चैनल में भेज दी, चैनल से वो रिसीवर पे रिसीव हुई और जिसको वो इंफॉर्मेशन लेना था उसने उस इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया। अब इस चैनल की बात कर रहे हैं, चैनल दो तरीके के हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड चैनल जो वायर के थ्रू होते हैं, जिनके लिए वायर की जरूरत पड़ती है किसी भी, जो हमारा अनगाइडेड चैनल है, जो हमारा ओपन एटमोसफेयर है, ये हमारा अनगाइडेड चैनल में आता है। तो जैसे अभी मैक्सिमम हम सब जो है अनगाइडेड चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अनगाइडेड चैनल के अपने फायदे हैं और गाइडेड चैनल के अपने फायदे नुकसान है, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। तो अनगाइडेड की बात कर लेते हैं पहले, जिसके थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो क्या हो रहा है, वाईफाई से आप कनेक्ट है, मैं कनेक्ट हूँ, या मोबाइल के थ्रू कनेक्ट है, तो हम सिग्नल क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में सेंड कर रहे हैं। और फिर जहां पे भी रिसीवर लगा है, जिसके पास भी वो कोड है, जिसके पास नंबर है, वो उसको गेट कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, या इस टीम का, या हमारा जो लेक्चर है इसका लिंक आप जिसको भी शेयर करोगे, और जो भी मेरे कंस्ट्रेंट में वो आ रहा होगा तो वो उस लेक्चर को देख सकता है। बट नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, जैसे आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, क्लाउडी सीजन हो रहा है तो उसकी वजह से सिग्नल का लॉस हो जा रहा है, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो जा रही है, स्क्रीन ब्लर्ड हो जाती है, जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रही हूँ वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो हमारे अनगाइडेड चैनल है। बिल्डिंग की वजह से हो जाता है, एटमोसफेयर की वजह से हो जाता है, आंधी आती है तो उसकी वजह से हो जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं बोल रही हूँ वो प्रॉपर आपके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो हम क्या करते हैं, तब हम गाइडेड चैनल का यूज करते हैं। गाइडेड चैनल्स क्या होते हैं, जो वायर्स के थ्रू हम सेंड करते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन्स होती थी, लैंडलाइंस होती थी, या हमारा जो केबल होता है, नेटवर्क होता है, जब हम घर में लगवाते हैं, ठीक है, जो वायर के थ्रू आ रहा है, जो या डिश एंटीने में हमने डिश टीवी ले रखा है, डिश टीवी पे जो सिग्नल आ रहे हैं वो तो वाईफाई के थ्रू आ रहे हैं, ओपन एटमोसफेयर के थ्रू आ रहे हैं, बट उस एंटीने से टीवी तक जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं वो वायर के थ्रू मिल रहे हैं, या सीसीटीवी कैमरा जब लगाया जाता है तो वो पूरा केबल के थ्रू कनेक्ट रहता है, तो जो सीसीटीवी कैप्चर करता है वो इन्फॉर्मेशन जिस भी नेटवर्क पे, या जिस भी लैपटॉप पे, या जिस भी कंप्यूटर पे हम सेव करते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं। तो जब हम केबल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो वहां पे डिस्टॉर्शन कम होता है, या एनर्जी का, या सिग्नल का लॉस कम होता है। तो गाइडेड चैनल और अनगाइडेड चैनल के अपने फायदे नुकसान है, कोई मुझे बताएगा अपनी तरफ से कि जो गाइडेड चैनल हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, इसका क्या एडवांटेजेस हो सकता है, या अनगाइडेड चैनल का जो मैंने बताया इसके अलावा क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? मैम, गाइडेड चैनल जो होता है वो थोड़ा सिक्योर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सिक्योर होता है गाइडेड चैनल। और मैम डिसएडवांटेज ये बता होगा कि मैम गाइडेड चैनल थोड़ा कॉस्टली होता है। रही मैम आपका वॉइस अभी बहुत मैं, कट कट गया। हाँ तो ये अनगाइडेड चैनल का लॉस ही है, ठीक है, मेरा आवाज प्रॉपर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हम सब केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट होते तो जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आता। और की बात करें, रेडियो भी हमारा क्योंकि अनगाइडेड चैनल में आता है तो कोई भी उस फ्रिक्वेंसी को सेट करेगा तो वो उस चीज को देख सकता है उस फ्रिक्वेंसी को सेट करके। बट गाइडेड चैनल में क्या होता है, जिसके पास वो वायर पहुंच रहा होगा वही उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्टॉर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेड चैनल ऑलवेज बेटर।
बट कॉस्टली होता है वो बात ठीक है. तो ऑप्टिकल फाइबर पहले हम सिर्फ कॉपर वायर जो लैंडलाइन यूज करते थे उसमें कॉपर वायर यूज करते थे, बट अब हमारा काफी टाइम से ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है. ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स ब्रांच है ऑप्टिक्स की जो ट्रांसमिशन डील करती है लाइट सिग्नल का, और ग्लास या प्लास्टिक यूज होता है एज ए मीडियम. तो जिस मीडियम में हम ट्रांसफर करते हैं सिग्नल को वो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, और लाइट सिग्नल को जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं लाइट वेव्स पे करियर वेव पे ओवरलैप करके मॉड्यूलेट करके इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं. तो लाइट एनर्जी यूज करते हैं. तो फाइबर ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट डील विद ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द फाइबर ऑफ ग्लास प्लास्टिक और सम फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया. आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं. अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.